गाइस एज यू नो प्रो राइडर 1000 एके अगस्त्य चौहान की यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो इस वीडियो में अगस्त्य चौहान एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं असल में हुआ क्या था, फेक न्यूज कौन फैला रहा है और आमिर माजिद जो कि प्रो राइडर के साथ थे तो उनके होते हुए एक्सीडेंट हुआ कैसे और वहाँ कौन से एविडेंस और विटनेस थे जिनसे पता लग जाएगा कि एक्सीडेंट किया किसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड न्यूज चैनल फेक न्यूज दे रहे थे कि प्रो राइडर की बाइक 300 की स्पीड पर थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो ड्रैगर Z900 जो कि अगस्त्य के फ्रेंड हैं, वो अगस्त्य के फादर से मिले और उन्होंने काफी सारी बातों से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि न्यूज चैनल एंड यूट्यूबर्स प्रो राइडर के एक्सीडेंट को ओवर स्पीडिंग का केस बता रहे हैं, जबकि ये एक हिट एंड रन का केस है क्योंकि बाइक 300 की स्पीड से क्रैश होती तो बाइक में कुछ नहीं बचता, जबकि बाइक का आगे से राइट वाला हिस्सा डैमेज हुआ था और बाइक के टायर फट गए थे। साथ ही उन्होंने डायरेक्ट नाम लेते हुए एलिगेशन लगाया कि कार्तिक कस्टम्स व्यूज के लिए फेक न्यूज दे रहे हैं और राइडर कम्युनिटी के नाम पर प्रो राइडर को बदनाम कर रहे हैं। गाइज अगर तुम किसी के मरने पर अपने चैनल को दोबारा सही करने का सोच रहे हो और वो भी देखो उसको इतना पता था, देखिए उसको मरे हुए 4 घंटे भी नहीं हुए, ठीक है। और अगस्त के पापा ने मुझे एक शॉट भेजी जिसमें इस कार्तिक कस्टम ने मजाक बना रखा है बिल्कुल भाई का। वो मतलब उसका कहना ये था कि ये तो ऐसा था ही, इसके साथ ऐसा ही होना था। साथ ही वो बताए कि एक ट्रक ड्राइवर विटनेस भी था जिसने एक्सीडेंट पॉइंट से आगे टोल प्लाजा पर सारा इंसिडेंट बताया। सो गाइस हमें ट्रक वाले से तो ये सुनने को मिला है जो टोल पर आगे गया था, जिसने बताई थी चीजें, कि उसने ये बताया कि 2 बाइक्स थी, एक व्हाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी, ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों को कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। सो इससे एक चीज तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज सच है पर शायद पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20-30 टन वजन पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइस, वो किसी नॉर्मल चीज से नहीं टूट सकता। भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। तो जैसे कि प्रो राइडर 1000 मोटो व्लॉगिंग कर रहे थे तो उनके फ्रेंड ने बताया कि जब वो राइड पर निकले थे तो उनके पास 3 कैमरे थे जिसमें से 2 GoPro थे और 1 360 था, पर जब पुलिस को डेड बॉडी मिली तब वहाँ पर सिर्फ 1 बंद कैमरा मिला और बाकी के 2 कैमरे गायब थे। जिस भी आदमी पर वो कैमरा है, हमें आपसे कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको आगे नहीं लाना, हमें कुछ भी आपको चोर नहीं ठहराना, कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। उनके पापा की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप फेक आईडी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप कैसे भी करके वो क्लिप हमारे तक भेज दो जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसको किसने टक्कर मारी है। और अब बात करते हैं आमिर माजिद के बारे में। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था आमिर माजिद अगस्त्य के साथ थे, तो सभी लोग ये बोल रहे थे कि तुम दोनों के बीच में ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। सो रिसेंटली आमिर माजिद अपनी वीडियो में पूरा किस्सा बताए और साथ में अपनी बाइक भी दिखाए कि अगर उनका झगड़ा हुआ होता या उन्होंने हिट किया होता तो बाइक पर कुछ स्क्रैच तो होता, पर बाइक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। और साथ ही आमिर माजिद UK07 राइडर को टारगेट करते हुए बोले कि अनुराग डोभाल आज तो रेस्ट इन पीस मेरे भाई करके स्टोरी डाल रहे हैं, जबकि पास्ट में अगस्त्य को UK07 राइडर की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। साथ ही वो अपनी वीडियो में इंसिडेंट का अपना वाला वर्जन बताए और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं एविडेंस के बारे में। तो भाई जिसके पास भी वो कैमरे हैं तो भाई कैसे भी करके उन फुटेजेस को उनके फादर तक पहुंचा दो, तो जिसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट हुआ है और जो भी इस एक्सीडेंट की वजह थी वो पता चल पाए। और इसके अलावा भी एक एविडेंस है जो कि CCTV है। तो ड्रैगर Z900 ने बताया कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से 50 मीटर आगे CCTV कैमरा था, तो पुलिस उस CCTV कैमरे की फुटेज निकलवा रही है और अब उस फुटेज के आने का इंतजार है, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट किसने किया था। और आगे कोई भी CCTV फुटेज एंड अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।